जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं, आप हमारा गला क्यों काटते हैं? सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। सब बहुत अच्छा जा रहा था, एकदम क्या हुआ? उसने बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में जिहादी एक्टिविटीज भरी। अभी बोलता चाहिए माँ, हमरा बोलो ही नहीं, हमरा बांगली जगे उड़े जी, हमरा हिंदू जगे उड़े जी, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ वो सिचुएशन नहीं होगी जो बांग्लादेश में हुई है। इतना जुल्म मोदी ने हम पे किया है, वो दिन दूर नहीं कि जब लोग निकल के इसके घर में भी घुस जाए और तिया पाचा कर दे। बिग ब्रेकिंग न्यूज नाउ कमिंग इन विद रिगार्ड्स टू द प्लाइट ऑफ हिंदूज रिजाइडिंग इन बांग्लादेश। वी आर लर्निंग दैट हिंदू ग्रुप्स आर नाउ प्रोटेस्टिंग आउटसाइड यूएन हेडक्वार्टर। हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गए। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है और मोहम्मद यूनिस वहां पर काबिज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर काबू नहीं पाया गया है। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है बांग्लादेश में, लाखों हिंदू संगठन सड़कों पे आ चुके हैं और उन्होंने ढाका को घेर लिया है, साथ ही साथ यूएन ऑफिस को भी घेर चुके हैं। हरे रामा हरे कृष्णा की चैंटिंग सड़कों पे होती हुई दिख रही है। दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि भारत के बाद बांग्लादेश में हिंदू इतना जागृत हुआ है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया कुछ डिस्कस कर रही है, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ रही है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे लिए वो हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है। मोहम्मद यूनुस अब तक आंदोलनकारियों को काबू में नहीं कर पाए हैं। शनिवार को आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को ही घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन को नहीं हटाया गया तो वो चीफ जस्टिस के परिवार को मार डालेंगे और उनके घर में आग लगा देंगे। आंदोलनकारियों की धमकी के बाद चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन को इस्तीफा देना पड़ा। मोहम्मद यूनुस ने भले ही बांग्लादेश की कमान संभाल ली है, लेकिन वो कट्टरता के खिलाफ कोई कदम उठा पाएंगे इस पर शक है, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरिम सरकार में एक ऐसे तालिबानी सोच वाले शख्स को रखा है जिसका इतिहास ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। ये है अबुल फयाज मोहम्मद खालिद हुसैन, इसे मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया है। ये बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी नेता है, इस पर हिंदू विरोधी हिंसा में शामिल रहने के आरोप है। वही सिचुएशन हम बांग्लादेश में देखते हैं तो हमें सुनने को मिलता है लो जी इनकलाब आ गया, मतलब किसी दूसरे के घर में कुछ बर्बादी हो या कुछ ऐसी सिचुएशन बने तो वो इनकलाब, हमारे घर में अपने घर में अगर ऐसी सिचुएशन बने तो वो गद्दारी। इसके ऊपर बात करेंगे इंडिया के लोग, एक तो इंडिया की गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, दूसरे नंबर पे इंडिया की आम पब्लिक का क्या स्टांस है, इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी का बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर क्या स्टांस है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जरा डिटेल में अगर मुझे एक्सप्लेन करें देखने वालों के लिए, मेरे लिए। शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ईस्ट पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश बना, हम सबको पता है। और जमात इस्लामी कोई नया जमात तो टेररिज्म का नहीं है, बहुत पुराना है। और पाकिस्तान में हमेशा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाला पोसा गया है। और ओबामा और बिडेन का पॉकेट नेता और पॉकेट पपेट जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से अपना शपथ समारोह भी कर लिया। और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और मुस्लिम और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया, अगर खतना किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मुसलमान है और उनसे गलती हो गई, और अगर हिंदू है तो इट्स ऑल राइट। तो
उन सबको अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश, शायद शोएब आपको वहां की भाषा नहीं आती होगी, लेकिन आमी खूब भालो करे जानी तार भाषाटा, खूब मधुर, खूब जानती है, आप अच्छे से उसे जानती हैं, बिल्कुल। हाँ, उस भाषा को, आपकी भाषा को, बहुत सारे देश की भाषा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत वहां के जो हिंदू है ना, वो शेख मुजीबुर रहमान साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। वहां के जो हिंदू हैं वो शेख हसीना से बहुत मोहब्बत करते थे। क्यों मोहब्बत? हालांकि जिस वक्त 1971 में बांग्लादेश बना था, तब मोर देन 28% वहां पर माइनॉरिटीज हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत कम रह गए, वहां पर सिर्फ 8% माइनॉरिटीज रह गए। लेकिन वो 8% भी माइनॉरिटीज क्यों रहे? क्योंकि शेख हसीना अपने देश को संविधान के हिसाब से चला रही थी और कानून के हिसाब से चला रही थी। शेख हसीना ने बांग्लादेश को बहुत डेवलप किया था, बहुत इंप्रूव किया था और बहुत शिक्षित किया था। ढाका और बांग्लादेश के लोग इस पूरी दुनिया में जाते थे और इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े एक पद पर बैठे थे। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश इकोनॉमिकल ग्राफ में कहीं ऊंचा पहुंचता चला जा रहा था और पाकिस्तान नीचे आ रहा था। और कई बार डिस्कशन में शोएब हमने भी ये डिस्कस किया कि आपके ही अंग से निकला आज बांग्लादेश को देखिए कि कहां पहुंच चुका है। और एजुकेशन पर शेख हसीना ने बहुत फोकस किया था और शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु उन्होंने भी बहुत फोकस किया था। लेकिन जिस हिसाब से एक 3 फुट का मौलाना अपने भड़काओ प्रीत से, अपने भड़काओ तबलीग से, अपने भड़काओ इस्लामिक तबलीग से उसने बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में जिहादी एक्टिविटीज भरी, उसने कोटे का बहाना लेकर के उसने मुसलमान युवाओं को रोड पर उतरवाया और इतने इतने गलत और क्रिमिनल एक्टिविटीज करवा दिया 3.5 फुट का मौलाना, जो आज बांग्लादेश जल रहा है और बर्बाद हो रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस साहब के लिए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। कल का ही दिन था जब इराक के पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जहां पर बेटियों का निकाह शरई तौर से 9 साल की उम्र में कर दिया गया है। अब ऐसे ही बिल हम मोहम्मद यूनुस साहब के हिसाब से देखेंगे जो बांग्लादेश के पार्लियामेंट से पास होगा। हम गाहे बगाहे पाकिस्तान के पार्लियामेंट से कभी भी शिक्षा के लिए कोई बिल पास होते हुए नहीं देखते हैं, कभी भी डेवलपमेंट के लिए कोई बिल पास होते हुए नहीं देखते हैं। चर्चा अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में होती है तो ब्लास्फेमी की होती है, चर्चा अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में होती है तो इस्लाम के लिए होती है। और अभी आपके पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने भी कह दिया 48 घंटे पहले कि जो कोई भी पाकिस्तान में शरिया नहीं मानेगा उसको हम पाकिस्तानी नहीं समझेंगे। तो उसी तरीके से अब हम मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, जो बांग्लादेश के नए वजीर आजम बने हैं, उनके नेतृत्व में भी हम यही देखेंगे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेश में जो उग्रवादी है, जो जमाती के लोग है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये दरअसल हिंदुओं को बांग्लादेश से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हिंदुओं के घरों में घुसकर लूटपाट हो रही है, उनके बिजनेसेस उजाड़े जा रहे हैं, उनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाया जा रहा है, जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। आपने एक वीडियो काफी वायरल होती हुई देखी होगी जहां पर कई युवकों को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। ऐसे ही तालिबानी सोच रखने वाले एक लीडर का चुनाव किया गया है जो कि धार्मिक मामलों के मंत्री बने हैं। अब ऐसे जिहादी कट्टरपंथ माइंडसेट रखने वाले लोगों ने अगर सरकार में जगह बना ली तो क्या वो आगे कुछ कर पाएंगे? क्या माइनॉरिटीज के लिए कुछ बेटर कर पाएंगे? दोस्तों, ये सारा मामला दरअसल शेख हसीना ने जिस तरह से यूएसए को आंख दिखाकर मना किया, उनकी डिमांड को नहीं माना, उसके बाद इनकी सरकार गिराई गई है। लेकिन रशिया ने पिछले साल ही दिसंबर के आसपास बता दिया था कि कुछ गलत होने जा रहा है। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को जरूर पता रहता है कि कौन से देश में क्या घटनाएं घटने वाली हैं।
अगर वहां पर चिंतन मनन कर लिया जाए तो ये सब नहीं होता और शेख हसीना इन सब चीजों से बच जाती। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू जाग चुका है, हिंदू ने संगठन बनाकर जिस तरह से ढाका को घेर लिया है और यूएन ऑफिसेस को घेर लिया है, हालांकि यूएन ने काफी कुछ कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकने चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली किसी ने कुछ बोला नहीं है। वहीं भारत का विपक्ष भी इस बात को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि बांग्लादेश का हिंदू उसका वोटर नहीं है। बैंक की राजनीति भारत में तो होती आई है, लेकिन जो भारत के हिंदू संगठन है, जो भारत के ऋषि मुनि हैं, संत समाज है, वो जरूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन भारत में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी में तत्परता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काफी सख्ताई यूपी के अंदर भी कर दी है, क्योंकि ऐसे कट्टरवाद वाले लोग यूपी में काफी भरे पड़े हैं। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के छाप जाने से अब जिहादी परेशान हो चुका है, जिहादी अब सड़क पे कम दिख रहा है, लेकिन जो आउटस्कर्ट्स है वहां पे अत्याचार अभी भी चालू है। लोगों ने मंदिरों की सुरक्षा को लेकर और माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर एक अलग कमेटी बनाने की बात की है, और जो लोग पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने की डिमांड भी इस संगठन ने रखी है। अब देखना ये होगा कि कब तक हिंदू लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे और कब तक इनकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।